तरह से लौकी और चने दाल की सब्जी फटाफट से बनाने के लिए कुकर में 5 मिनट के अंदर, चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ, 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। इस तरह से आप एक बार लौकी और चने दाल की सब्जी बना लेंगे कुकर में फटाफट। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं फटाफट से बनने वाली लौकी और चने दाल की सब्जी बनाऊंगी कुकर में, जो फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 kg लौकी ले लिया था, जिसे छीलकर इस तरह से टुकड़ों में मैंने कट कर लिया, छीलकर धोकर, और इस तरह से देख रहे हैं टुकड़ों में कट कर लिया। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर 2 चम्मच चने दाल मैंने 1.5 घंटे पहले फूलने के लिए डाल दिया था, इसे मैंने धो के अच्छे से छान लिया है। और यहाँ पर मैंने फ़ौरन के लिए लिया है जीरा, मेथी, 1 पिंच हींग, 2 हरी मिर्च, तेज़पत्ता, कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, गोलमिर्च और लौंग। देखिए गैस पे मैंने कुकर चढ़ा लिया, इसमें मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी फ़ौरन, तेल गर्म हो चुका है, तो जीरा डाल देती हूँ, साथ में मेथी डाल देती हूँ, हींग, तेज़पत्ते और खड़े मसाले जो मैंने लिए थे वो, और मिर्च। अच्छे से चटक चुके हैं तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज और इसे अच्छे से चला के भून लेती हूँ 1-2 मिनट प्याज को। तो देखिए 2 मिनट मैंने प्याज भून लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, देखिए, और इसे भी मैं भून लूँगी तो तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। प्याज के साथ भून लेती हूँ। देखिए लहसुन अदरक भी मैंने भून लिया है, इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो गया है। तो इसे मैं ऐड करूँगी सूखे मसाले, इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, और साथ में 1 टमाटर जिसे रफली मैंने चॉप कर लिया है उसे डाल दूँगी। और डाल के अच्छे से मिलाकर मसालों को 2 से 3 मिनट तक मैं भूनूँगी प्याज के साथ। और साथ ही मैं डाल दे रही हूँ नमक 1 छोटा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी पानी, ताकि मसाले मेरे जले नहीं। तो देखिए पानी डाल दे रही हूँ, 2 चम्मच के लगभग मैंने डाला है, और इसे अब मैं भूनूँगी, देख रहे हैं मसाले जलेंगे नहीं पानी डालने से। बस 2 चम्मच मैंने डाला है। तो देखिए मसाले को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर की तरह से गल गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने ये लौकी लिया था कट करके, उसे इसमें डाल दूँगी इस तरह से। तो लौकी डालकर मैंने अच्छे से मिला दिया मसालों के साथ। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो चना दाल मैंने लिया था, इसे भी मिला लूँगी। और मिलाने के बाद लौकी और चना दाल को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट और भूनूंगी, ताकि मसाले मेरे अच्छे से भुना जाए लौकी और चने दाल के साथ। तो कितना आसान है इस सब्जी को बनाना, आप देख रहे हैं, बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। पूरी पराठे, चावल, रोटी, किसी चीज़ के साथ भी आप खा सकते हैं, सभी के साथ ये बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसे मैं चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट तक भून लेती हूँ। यदि मेरी पूरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसे ही भूनते हुए 3 मिनट के लगभग हो चुका है, देख रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर चम्मच, और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें पानी, देख रहे हैं 1/2 कटोरी। ऐसे अच्छे से मिला के कुकर का ढक्कन में लगा देती हूँ। इसमें 3 से 4 सीटी लगवा देती हूँ, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। और जब सीटी निकल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं दिखा दूँ लौकी का। मैं जब 4 सीटी दे दिया था, मैंने गैस बंद कर दिया था, और जब सीटी निकल गया कुकर का तो मैंने ढक्कन खोला। तो देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया हमारा सब्जी, चने दाल और लौकी की, फटाफट से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। मैंने इसे ग्रेवी वाला बनाया, आप चाहे तो इसका ग्रेवी सुखा सकते हैं, अगर सूखी आपको पसंद हो तो। मुझे इसी तरह से पसंद है। अब चलिए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने चपाती के साथ सर्व किया है।
आप चाहे तो इसे पराठे पूड़ी या रोटी किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, देख के ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। झटपट से बन जाने वाली ये सब्ज़ी है। अगर आपको बहुत तामझाम पसंद ना हो कि टाइम लगे, फटाफट से बना लूँ लौकी की सब्ज़ी, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।